हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्नेहा हेयर। सो अगेन मैं यहाँ पे आपके लिए 3 टाइप्स के होममेड पैक्स लेके आई हूँ। होममेड पैक्स जो हम लोग बनाते हैं, वो जो हमारे घर पे अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उन्हीं से बनाते हैं। बहुत इजी अवेलेबल्स रहते हैं इंग्रेडिएंट्स और हमारे स्किन को बहुत अच्छा सा इम्प्रूवमेंट देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस टाइप के पैक्स बनाने वाली हूँ आज इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के जो मैं आपको पैक्स बताने वाली हूँ वो है एक टोमेटो पैक, पपाया पैक एंड थर्ड वन इज मुलेठी पाउडर पैक। तो चलो हम देखते हैं कि मैं ये पैक्स कैसे बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ पपाया फेस पैक। तो फ्रेंड्स, पपाया पैक बनाने के लिए आप 1/4 पपाया लीजिए, उसको पील ऑफ करके ऐसे पेस्ट बना लीजिए। ओके, पपाया पैक बनाने के लिए हमें 2 स्पून पपाया पेस्ट डालनी है, 2 स्पून पपाया पेस्ट, 2 स्पून ग्राम फ्लोर बेसन, 1 pinch of haldi turmeric, 1 drop of honey shahad। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दें और एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लें। पपाया हमारे स्किन में से डेड स्किन को रिमूव करता है, हमारे एक्ने डार्क स्पॉट्स को क्लियर करता है और ग्लोइंग एक स्मूथ पेस्ट बना के आप इसको अपने फेस पे, नेक पे लगा के एटलीस्ट 10-15 मिनट्स तक रख के देन इसको आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर दें। स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद इसे अपने फेस पे अप्लाई करें। फेस के साथ साथ इसको अपने नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पपाया पैक हमारे स्किन से जो डार्क स्पॉट रहते हैं उनको लाइटन करती है, हमें यंगर लुकिंग स्किन देती है, ना जो स्पॉट्स रहते हैं, इस एक्नेस रहते हैं, उनको कम करती है। सो एटलीस्ट वीक में 1-2 बार ये पैक ज़रूर ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स, पैक लगाने के बाद आप इसको 10-15 मिनट्स के लिए रख सकते हैं एंड देन आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट पैक रहेगा टोमेटो पैक। तो मैं आपको बताऊंगी वो पैक मैं कैसे बनाने वाली हूँ। टोमेटो पैक बनाने के लिए हमें एक टोमेटो लेना है, उसको धो के अच्छे से इसे मिक्सर में ग्राइंड कर देना है। तो पैक बनाने के लिए मैं लूँगी 2 स्पून टोमेटो प्यूरी, 2 स्पून वीट फ्लावर, 1 drop of honey, 1 drop of lemon and mix all together. Make a smooth paste. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें 1 spoon curd और मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, आप ये पैक अपने फेस पे और नेक पे अप्लाई कर सकते हैं। टोमेटो में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज रहती हैं जो आपके फेस को अच्छे से ब्लीच कर लेती है। सो फ्रेंड्स, टोमेटो पैक हमारे स्किन में बहुत अच्छा ब्लीचिंग इफेक्ट दे देता है और जो वीक फ्लावर हमने इसमें ऐड किया है वो हमारे स्किन से डर्ट क्लियर करता है और हनी ऑल्सो गिव्स मॉइस्चराइजर टू आवर स्किन। सो जो भी इसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स मिक्स करें काफ़ी अच्छा रहता है हमारे स्किन के। सो अगेन गाइज, आप इस पैक को 10-15 मिनट्स के लिए रखिए एंड देन नॉर्मल पानी के साथ इसको धो लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मेरा थर्ड लास्ट पैक बताने वाली हूँ आपको, वो रहेगा
वोलेटी पाउडर पैक। वोलेटी पाउडर ऐसा रहता है, ये आपको किसी भी शॉप किसी भी सुपरमार्केट में इजीली मिल जाएगा। गाइस, वोलेटी पाउडर में एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहती है जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है। ये हमारे स्किन को ब्राइटनिंग लाइटन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसका पैक कैसे बनाते हैं। सो पैक बनाने के लिए मैं लूँगी 1 स्पून ऑफ वोलेटी पाउडर, 1 स्पून ऑफ ग्राम फ्लावर, सम ड्रॉप्स ऑफ हनी, 1/2 स्पून ऑफ एलोवेरा जेल, सम ड्रॉप्स ऑफ रोज, मिक्स इट ऑल टुगेदर एंड मेक स्मूथ पेस्ट। अगर ये पेस्ट अच्छे से नहीं बन रही तो आप इसमें थोड़ा सा रोज वाटर और ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको अपने फेस पे एंड नेक पे अप्लाई कर सकते हैं इस तरह। फ्रेंड्स, आप इस पैक को ड्राई होने के लिए 10-15 मिनट्स तक रखें और उसके बाद नॉर्मल पानी से धो दीजिए। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है। सो ये वीडियो बनाने के लिए आज मैंने तीनों ही पैक अपने फेस पे लगा दिए। सो दिस इज़ द रिजल्ट। हालांकि मैंने थोड़ी थोड़ी देरी रखा, बट आप इसको 10-15 मिनट्स तक रखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरे ये पैक्स पसंद आए हों। सो प्लीज़ ट्राई करिए अपने स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, लाइटन एंड ब्राइटन बनाने के लिए, एक्ने रिमूव्स, स्पॉटलेस, आपको जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं वो सब पैक से दूर हो सकती हैं। होममेड पैक्स जो काफ़ी ईजिली अवेलेबल इन्ग्रीडियंट्स रहते हैं। एंड गाइज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर अमेजिंग होममेड पैक्स। So guys, bye, see you in the next video.